इधर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, गठबंधन की जो तस्वीर है ये भी अब साफ होने लगी है। वहां से जो बादल छटे थे वो अब साफ होती दिखती रही है। महायुति गठबंधन की सभी पार्टियों की पहली लिस्ट अब जारी हो चुकी है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी ने भी सीट फॉर्मूले का जो तय था समीकरण उसे भी क्रैक कर लिया है। बिल्कुल, इसकी पूरी तस्वीर जल्द सामने आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। एनसीपी अजीत गुट की बात करें तो इन्होंने आज ही 38 कैंडिडेट की एक पहली लिस्ट जारी कर दी। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे से जुड़े अपडेट पर हमारी एक खास रिपोर्ट सरकार में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति के बाद अब महाविकास अघाड़ी में भी सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझती दिख रही है। बुधवार की शाम महाविकास अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने 65 शिवसेना उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक आदित्य ठाकरे वर्ली से उम्मीदवार होंगे। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ किया कि कांग्रेस एनसीपी शरद गुट और शिवसेना उद्धव गुट 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आज हमने एक निश्चित किया कि 85 का एकमत हमने किया है सीट के ऊपर। हमारी 18 सीट जो है तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है, और महाविकास अघाड़ी करके हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। महाविकास अघाड़ी से पहले एनसीपी अजीत गुट ने भी 38 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक अजीत पवार शरद पवार की परंपरागत बारामती सीट से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल येवला से तो धनंजय मुंडे को परली से टिकट दिया गया है। खास बात यह है कि अजीत पवार ने किसी बगावत से बचने के लिए 95% मौजूदा विधायक को फिर से टिकट बांट दिया। पार्टी ने दो मुसलमान उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा है। बीजेपी से पहले 99 और शिंदे गुट की शिवसेना 45 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। इस तरह महायुति गठबंधन में अब तक 182 नाम की घोषणा हो चुकी है। सीएम शिंदे महायुति की जीत का दावा कर रहे हैं। हम जनता के दरबार में जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी होगा, और मैं आपको बताऊंगा विश्वास के साथ, दावे के साथ, ये काम का जो हमने काम किया है सरकार ने, उसका निश्चित रूप से हमारे महाराष्ट्र की जनता पूरी तरह महायुति को फिर से जिताएंगे। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर होने जा रहा विधानसभा चुनाव इस बार किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं बताया जा रहा। मैदान में बीजेपी कांग्रेस समेत 4 से ज्यादा क्षेत्रीय पार्टी हैं। महायुति के सामने जहां एंटी इनकम्बेंसी है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी के सामने वोटों को बांटने से रोकने की चुनौती। हालांकि मराठा आंदोलन और शिवसेना एनसीपी में तोड़फोड़ से उद्धव और शरद गुट लोगों के सिंपैथी का फायदा मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।